शिप्रा नदी के स्टाफ डैम पर बाइक सवार युवकों के साथ कुछ लोगों ने लाठी डंडी और लोहे के रोड से मारपीट कर दी, बाइक को नदी में फेंक दिया। घटना का लाइव वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन को हिरासत में लिया है। शहर के थाना निर्गंगा क्षेत्र अंतर्गत जीवाजी वेशवाला के समीप शिप्रा नदी के गुरुघाट स्थित स्टाफ डैम पर पुरानी रंजिश को लेकर दो युवकों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में बाइक सवार दो लोगों को लकड़ियों से पीटा जा रहा, इस दौरान एक युवक भागने में सफल हो जाता है लेकिन दूसरा युवक भीड़ ने पकड़कर लाठियों से पीटा। इस दौरान कुछ युवकों ने बाइक को शिप्रा नदी में फेंक दिया। नीलगंगा पुलिस ने बताया कि घायल गोविंद व हमलावर राहुल पहले दोस्त थे। गोविंद ने साल 2018 में नीलगंगा कलाली के बाहर एक व्यक्ति की हत्या की थी, जिसमें बताते हैं कि राहुल भी सहयोगी रहा। एक साल पहले गोविंद बरी हुआ। गोविंद का आरोप है कि राहुल ने उसके मकान पर कब्जा कर लिया। नीलगंगा पुलिस को कब्जे व रुपए के झगड़े की बात भी पता चली है। हमले में घायल गोविंद माली ने बताया कि वह शहर के मालीपुरा की सब्जी की दुकान लगाता है। रविवार शाम वह अपने साथी विजय के साथ घर जा रहा था, तभी वहां कुछ लोग जिसमें शुभम, सुमित, नीलेश, संदीप आदि ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरी बाइक को नदी में फेंक दिया। हाल ही में न्यायालय ने दुर्लभ कश्यप गैंग के दो गुर्गे हेमंत बोकला और तुषार खत्री को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उसी मामले में राहुल माली रिहा हुआ है। उसने मेरे घर पर करीब 2.5 माह से कब्जा कर रखा है।